कैसे हो लोग? तो अगर मैं को न्यू डॉर है फिर खेल रहे हैं शेडो फाइट 3। सो आज की वीडियो में मैं पे एडवेंचर में वॉर्म ब्लड को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ और देखेंगे उस सबने को क्या कुछ रिवॉर्ड वगैरह मिलने वाला है। एडवेंचर के अंदर मैं आ चुका हूँ, बर्निंग ब्लड नाम है इसका, वॉर्म नहीं बर्निंग ब्लड नाम है। तो चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे अपनी फाइट हो रही है। रिवॉर्ड यहाँ पे 20 की रेयर कीज दिखा रहा है जो कि अच्छी खासी बात है। देखते हैं फाइट कितनी डिफिकल्ट होगी। इजी होगी वैसे तो, हेल्थी नहीं जा रही है। गार्ड कैप्टन तो खतरनाक है भाई। देखो हेल्थ तो जानी जरूरी है, बहुत कम जा रही है। मैंने स्वॉर्ड छोड़ दिया, मैं हाथ से मार रही हूँ। अभी थोड़ी सी जा रही है सही हेल्थ, पर हराना तो पड़ेगा यार। देखो हेल्थ कोई बात तो बहुत ज्यादा कम जा रही है। गार्ड कैप्टन पावरफुल तो है। अरे शिट, अरे हटो यार, थोड़ी सी हेल्थ और बची है। हार जा, खत्म। ऑलराइट, तो गार्ड कैप्टन को तो मैंने हरा दिया। पता नहीं क्यों यार इसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा कम जा रही थी ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा जैसा मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था, बट फिर थोड़ी थोड़ी हेल्थ जाने लगी, पर एंड में तो अच्छी खासी हेल्थ जाने लगी थी। फिर से वही हाल है, स्टार्टिंग में हेल्थ कम जाती है, बिल्कुल ना के बराबर हेल्थ गई है, देख रहे हो, बट एंड में देखना कितनी जाएगी। कोई शील्ड है जो धीरे धीरे टूटती है। देखो फाइट तो बढ़िया हो रही है, मुझे मजा आ रहा है खेलने में, और आज मैं कंप्लीट करूंगा। तो भाई ग्रेटा भी सही मारती है ना वैसे, सो मैं बता रहा था आज मैं कंप्लीट करूंगा ना, तो एंड का रिवॉर्ड देखने में मजा आएगा। देखो आप सही हेल्थ जा रही है ना, कितनी ज्यादा जा रही है, और स्टार्टिंग में कम जाती है। चलो ठीक है, सो दो ही राउंड जितना था मैं जीत चुका हूँ। ये वाली फाइट को मैं विन हो जाता हूँ। रेयर की अपने को की मिलने वाली है 20, जिससे कि मैं चेस्ट को ओपन कर पाऊंगा, बट मैं आपको एंड में ओपन करके दिखाऊंगा। अभी मैं ओपन नहीं करने वाला हूँ, मैं पहले पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद आपको ओपन करके दिखा दूंगा। सो फिर से मेरी फाइट हो रही है, अनएक्सपेक्टेड ऑडियंस में अपनी फाइट हो रही है। पता नहीं कौन सी ऑडियंस है जिसने कि एक्सपेक्ट नहीं करी थी ये वाली फाइट इससे होने वाली है। भाई ये तो खतरनाक लग रहा है, मैं एक राउंड भी हारा तो मैं गया। ये पावर है मेरा भाई, हेल्थ तो काफी ज्यादा जा रही है की पावर से। मार भी गंदा खा रहा है, थोड़ा सा और बचा है, हारने वाला है, खत्म। इन्वेस्टिगेटर डैनियल को तो मैंने हरा दिया। देखो उतना ज़्यादा ये पावरफुल नहीं था, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से हराया फर्स्ट वाला राउंड, पर हो करता वैसे मैं दो राउंड और विन हो जाऊँगा। इसके हो सकता है वेपन चेंज हो जाए। हाँ वेपन चेंज हो रहा है, बट बंदा वही है और हारेगा भी वैसे ही। भाई क्या हेल्थ जा रही है इसकी, ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बंदा है। चलो ठीक है, ये खत्म। भाई मतलब सेज की पावर के बाद तो बच ही नहीं पा रहा, सेज की पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है और अच्छी खासी तरीके से चल भी रही है। और इस बार तो अपने सेज के अंदर ना फायर भी जल रही है, मतलब आग जल रही है, पहले नहीं जलती थी बट अभी अभी जलना स्टार्ट हो चुकी है। अब फाइनल बारी है, भाई इसके साथ वही होगा यार। भाई ब्लॉक कर रहा है, अब कुछ नहीं कर पाएगा, खत्म। 20 की मुझे समझ लो रेयर की कीज और मिल चुकी है यहाँ पे, तो दो चेस्ट में ही हो सकता है ओपन हो जाए, वैसे तो एक ही होनी चाहिए, बट अगर दो हो जाएगी तो और ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे पास 20 कीज पहले से होगी ना रेयर की, तो अभी मेरे यहाँ पे दो चेस्ट ओपन होने वाली है, वीडियो के एंड में करके दिखाऊंगा आपको। अभी बारी है शायद यहाँ पे फाइनल वाली फाइट की, तो उसको भी कर लेते हैं। हाँ इसमें मुझे 10 लेजेंडरी की मिलेगी, बट फायदा ये है कि इसके बाद अपने को फाइनल वाला रिवॉर्ड भी मिलने वाला है, हेले का दा एब्डिकेटर्स। भाई हेले का पावरफुल तो है, मुझे देखना पड़ेगा मैं कैसे हराऊंगा इसको, गंदी हेल्थ जा रही है इसकी। देखो हेल्थ तो थोड़ी कम जाएगी, बट अच्छी बात है इतनी तो जा रही है ना, जितनी जा रही है उतनी सही है। ये देखो भाई सही हेल्थ जा रही है, वैसे फाइनल वाली है ना, तो इसकी मैंने तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक की उम्मीद करी थी, बट ये तो फिर भी सही है।
चलो फर्स्ट वाला राउंड आपको भाई जीत रहा बढ़िया तरीके से। एक और फाइनल डैमेज फिनिश। अरे एंजल तो मैं भूल ही गया, ये भी तो सीन है भाई, एंजल भी तो बन जाती है ये। चलो बच गया आपका भाई फर्स्ट वाला राउंड में, यहाँ पे विन हो चुका हूँ। अभी बारी है सेकंड वाले राउंड की, देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो फर्स्ट वाला राउंड में मुझे ज़्यादा दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ी, मेरी हेल्थ भी अच्छी खासी थी। और जब मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी, जब मेरे अंदर से आग जलती है ना, ये देखो जब मेरे अंदर से शेर की पावर जलती है ना, तब मेरी हेल्थ ऑटोमेटिक प्लस होती है। आप ध्यान देना जब मैं शेर की एनर्जी का यूज़ करूँगा। भाई ये राउंड भी गई, अरे बच गई, शेर की पावर लग नहीं पाई। ओ भाई गंदा मार रही है, हेल्थ देखो सही जा रही है, हार जाएगी ये वाला राउंड भी। मुझे फिर से शेर की पावर का यूज करना पड़ेगा। देखो मेरी हेल्थ ऑटोमेटिक फुल हो रही है, अब ध्यान दो, अब तो ये हारने लग रही है। देखो ऑटोमेटिक फुल हो रही है, बस एक फाइनल और तगड़ा सा, एक और खत्म। अरे ये भी तो है इसके पास भाई, इसको तो मैं भूल ही गया। बचो भाई भागो, बंदा मारेगी। चलो ठीक है, दो राउंड आपका भाई विन हो चुका है। मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक शेडो की एनर्जी आ चुकी है, और मुझे लग रहा है ये वाली फाइट शेडो की एनर्जी के साथ ही मुझे करनी पड़ेगी। मेरे अंदर आ चुकी है और उसके पास भी आ चुकी है, ये राउंड खतरनाक होने वाला है। इसके पास भी है ना यार एनर्जी, मैं शेर बन जाऊँ क्या? चलो शेडो की एनर्जी है तो उसका भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, बच भी रहा हूँ इसके मूव से। भाई हेल्थ तो इसकी सही जा रही, हो सकता है मैं हरा दूँ इसको। अरे यार ये तो कंधा मारी है, तो जमीन से जो निकाल रही है ना वो दिक्कत वाली बात है। वैसे मैं सही मार रहा हूँ। अरे भाई मैं गया, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अभी, थोड़ी सी हेल्थ और बची, हो सकता है मैं जीत जाऊँ। अरे शिट भाई उसने पता नहीं क्या जमीन में से निकाल दिया। दो राउंड लगातार जीतने के बाद एक राउंड में हार चुका, क्योंकि यार इस बार दिक्कत वाली बात ये है ना कि मेरी मतलब शेडो की एनर्जी मेरे पास फुल आ चुकी है, और शेडो की एनर्जी उसके पास भी आ चुकी है। उसकी शेडो की तो नहीं लग रही है, एंजल की एनर्जी आप बोल सकते हो। चलो ठीक है बचो, बच बच के मारना इससे, इस बार शायद ये हार जाएगी। इस बार मेरी हेल्थ भी फुल नहीं हो रही है, शेर की पावर यूज़ करने का उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। मैं शायद जीत जाऊँ इस पहले राउंड में, हार जा, थोड़ी सी हेल्थ तो और बची, हार जा ख़त्म। अब भाई विकसित हो गई है, विकसित हो गई है, मुझे बचना पड़ेगा। भाई जैसे ये विकसित होती है ना हेल्थ जाने के बाद, पर चलो आपका भाई जैसे जैसे बच बच के ये वाली फाइट को मैं विन हो चुका हूँ। अभी बारी है फाइनल वाले रिवॉर्ड की, इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अपने को प्रीमियम का एक पैक मिलेगा और एक मुझे यहाँ पे वेपन भी मिलेगा, टेन लेजेंडरी की भी मिली है। अरे रिवॉर्ड तो एक अच्छा खासा मिल जाता है, सो कलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से, इसको क्लेम कर लेता हूँ मैं। स्वेयर जो क्वीन आइलैंडा कुछ बोलना चाह रही है, मुझे नहीं सुनना है, चलो आ जाओ जल्दी से। भाई पावरफुल है हैंड ऑफ फायर ये, इसके लिए भाई मुझे 200 ये यूज़ करने पड़ेंगे। ये तो मेरे पास 183 है, तो ये तो मैं नहीं ले सकता हूँ, बट एक चीज़ अपने को मिल गई है। पर यार दोनों मिलनी चाहिए थी ना, मुझे लगा था दोनों चीज़ मिलेगी, कोई बात नहीं जो मिल गया वो भी सही है। भाई अपग्रेडेड चीज़ मिल चुकी है, तो यहाँ से मैं क्लेम कर लेता हूँ उसको 25 जेम्स से, अच्छी बात है मैंने क्लेम कर लिया है। चेस्ट भी ओपन करनी है अपने को अपनी रेयर की, तो ओपन कर लेते, मुझे लगता है दो चेस्ट ओपन होगी। कुछ भी पावरफुल नहीं मिला, मुझे पता था भाई रेयर से वैसे मिलता भी नहीं है। एक और बारी, इस बार भी मुझे कुछ भी नहीं मिला, मतलब मुझे लग भी रहा था कि दोनों बार कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यार यहाँ पे मतलब समझ सकते हो रेयर की चेस से इतना ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड अपने को मिलता नहीं है, बहुत कम चांस है, अभी समझ लो ना के बराबर ही चांस होते हैं। अभी बारी है वो वाले वेपन को सिलेक्ट करने की, ये हैंड ऑफ फायर भाई काफ़ी सही लग रहा है। एबिलिटीज वगैरह भी मैं लगा लेता हूँ, शेडो थ्रिस्ट है यहाँ पे, सो दोनों को मैंने लगा लिया है।
पावरफुल तो देखो नो डाउट ये है। तो यही कुछ आज की वीडियो में आपको बताना आपको ये वाला रिवॉर्ड कैसा मिला। मैंने यहाँ पे बर्निंग ब्लड को पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं इसके आगे वाला जो एडवेंचर है उसको पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। सो वीडियो में मतलब वीडियो कर देना लाइक, चैनल को लेना सब्सक्राइब, साइड वाले बेल आइकन पर प्रेस कर देना। मिलते किसी और मैं वीडियो तक के लिए। बाय बाय।